जनता के लिए खुला लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। लखनऊ से आगरा 302 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है यह एक्सप्रेसवे। हर 30 किलोमीटर पर डायल 108 एम्बुलेंस की गाड़ियां मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 21 नवंबर को इसका शुभारंभ किया था। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ से आगरा 302 किलोमीटर का सफर मात्र 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। हर 30 किलोमीटर पर सुविधा है आपके लिए 108 एम्बुलेंस सेवा की और डायल 100 की। और इस एक्सप्रेसवे के चलते लखनऊ से दिल्ली की दूरी 5 से 6 घंटे में मात्र तय हो जाएगी। हर 30 किलोमीटर पर जैसा जिक्र कर रहे हैं डायल 100 और 108 एम्बुलेंस की गाड़ियां रहेंगी मौजूद। एक्सप्रेसवे के किनारे मैनपुरी और कन्नौज में वीआईपी मंडियां हैं। एक्सप्रेसवे के किनारे स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और फिल्म सिटी भी बनेगी। दोनों किनारे ग्रीन बेल्ट को बनाने के लिए करीब 3 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये एक्सप्रेसवे। लखनऊ आगरा जो 302 किलोमीटर का सफर है वो मात्र 3.5 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के चलते लखनऊ से दिल्ली की दूरी भी अब कम हो गई। 5 से 6 घंटे में आप दिल्ली से लखनऊ का सफर तय कर सकते हैं। जनता के लिए खोले गए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का समाचार पत्र ने जायजा भी लिया। लखनऊ से शुरू होने वाली यात्रा होगी कैसी, क्या एक्सप्रेसवे आपके लिए पूरी तरह से तैयार है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीती 21 नवंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और आज से ये एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सप्रेसवे पर और अभी हम इस एक्सप्रेसवे पर मात्र 11 से 15 किलोमीटर तक चल करके आए हैं और ये बोर्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि रोड क्लोज है, रोड क्लोज्ड, ट्रैफिक डाइवर्जन और आदमी काम पर है। इस तरह के जो स्लोगन्स हैं, जो बोर्ड्स हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और साफ ये रोड बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। RCC से यहाँ पर अभी इस रोड की जो नींव है वो रखी जा रही है, लेकिन ये रोड आज आम जनता के लिए चालू कर दी गई है। जब एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो एक अंदाजन अगर हम बात करें तो 100 से ऊपर ही चलती है। गाड़ियों की जो रफ्तार है एक्सप्रेसवे पर 100-120 के बीच ही एक आम रफ्तार मानी जाती है, लेकिन अगर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एक गाड़ी इस रफ्तार में आ रही होगी, 100 से 120 की रफ्तार होगी और उसे यहाँ पर आने के बाद ट्रैफिक डाइवर्जन और रोड क्लोज का ये बोर्ड दिख जाए तो ऐसे में हादसा होना लाजमी है। ऐसे में आखिर किस बात की जल्दी थी सरकार को जो आम जनता के लिए बिना उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये एक्सप्रेसवे खोल दिया गया, चालू कर दिया गया सफर के लिए। ये बात प्रश्न लगातार विपक्ष भी उठा रहा है कि सरकार जल्दबाजी में है और आज इस उद्घाटन के बाद जब हमने आम जनता की चलने के लिए जब इस एक्सप्रेसवे का जायजा लिया तो ये हम भी साफ इस बात से तफसील से हमने इस बात की जानकारी की और जाना कि ये एक्सप्रेसवे फिलहाल सुरक्षित नहीं है क्योंकि अभी काम चल रहा है और ऐसे में जनता का यहाँ पर आना जाना, गाड़ियों की आवाजाही से तमाम हादसे होने की भी आशंका है। लखनऊ से कैमरा पर्सन मिन्हाज के साथ मैं विभु त्रिपाठी, समाचार प्लस के लिए।